फौज के मुतालिक आवाम के दिलों में नफरत इमरान खान ने पैदा नहीं की, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो हाथ मेरे नजदीक वो पीटीएम की अपनी लीडरशिप का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 9 मई के वाकयात के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इमरान खान साहब नहीं है, बल्कि पीडीएम और उसकी लीडरशिप है। ये कहना है माहिर कानून अहमद अवैस साहब का, जो कि कमरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने गवाही दे दी, जिसके बाद कमरान शाहिद की भी हालत ख़राब हो गई और कभी वो सर पर हाथ पैर रहे हैं तो कभी सर ऊपर करते हैं तो कभी नीचे करते हैं, यानी उसकी हालत भी इंतहाई ख़राब हो गई है। क्योंकि ये सब टाउट मिले हुए थे 9 मई के वाकयात में खान साहब और उसकी पार्टी को मुलवस करने के लिए, इन्होंने एक मुतहदा कंपेन लॉन्च की मीडिया पर और खान साहब और उनकी पार्टी को मुलवस करने की भरपूर कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि 9 मई के ऊपर तो खान साहब की पार्टी को भी तोड़ा गया, लोगों से पार्टी भी छुड़वाई गई, मगर जब खान साहब ने कहा कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी अगर की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और खान साहब हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि पीडीएम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लिहाजा खान साहब ने फौज को भी बार बार कहा कि आप देखें, आप हालात का जायजा लें, पीडीएम हमें आपस में लड़ाना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको अगर फौज के साथ लड़ाया जाएगा तो इससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और खान साहब की अब सारी बातें सच साबित हो रही है। अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। फौज के मुतालिक आवाम के दिलों में नफरत इमरान खान ने पैदा नहीं की, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ मेरे नज़दीक वो पीटीएम की अपनी लीडरशिप का है। 9 मई का वाकया जिसको कहा जाता है कि जी ये कोर कमांडर हाउस में ये हो गया और उसके बाद इंस्टॉलेशन के ऊपर ये किया, आवाम ने जाके ऐसे किया, ये एक प्लान था जो नज़र आता है। और जिस वक्त भी कभी जुडिशल इंक्वायरी होगी ये बात खुल के सामने आ जाएगी उसी वक्त भी। देखिए 9 मई के वाकये में पंजाब का पंजाब पुलिस कहाँ थी, पंजाब की हुकूमत कहाँ थी, एक किसी छोटे से वाक्य के ऊपर कंटेनर लग जाते थे, रास्ते जो है वो मसदूद कर दिए जाते थे, बंद कर। अहमद अवैस साहब की गुफ्तगु आपने सुनी, पीडीएम समेत पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत सब इसमें मुलविस है। जब छोटा सा वाक्य हो जाता है तो जगह जगह पर कंटेनर लगते हैं, लेकिन इतना बड़ा एहतजाज हो रहा था और कोर कमांडर हाउस तक इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे तो पंजाब पुलिस कहाँ थी, उनको रोका क्यों नहीं गया? यही सवाल खान साहब ने भी उठाए हैं और यही सवाल आवाम भी उठा रही है कि आखिर पंजाब पुलिस कहाँ थी जब लोग कोर कमांडर हाउस को जला रहे थे। इस सवाल का जवाब जब भी मिलेगा सब लोगों के जो चेहरे वो बेनकाब हो जाएंगे। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।